بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डॉक्टर मोहम्मद ज़बानी पर फिर नई वीडियो में टॉपिक के साथ तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये मादियों के ऊपर है, जो दोस्त मादियों को नरों के साथ लगाया है या नर के साथ लगाया है या मुर्गे के साथ लगाया हुआ है, तो वो अंडे दे रही हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा कम नहीं, बहुत ज़्यादा 100 में से तकरीबन 70% जो है ना ये इशू आ रहा है अभी गर्मी की वजह से, क्योंकि ये जून का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा हबस है और गर्मी है। तो मादियाँ जो अंडे दे रही हैं वो कच्चे अंडे दे रही हैं, तो ये सबसे पहले नंबर पे तो किसी से पूछने की बात है ही नहीं कि किस वजह से कच्चे दे रही हैं, क्योंकि अगर समझदार दोस्त हैं या जो पिंदों को समझते हैं या पिंदों पर गौर रखते हैं तो खुद ही पता चल जाता है कि अभी जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये हबस की वजह से ये मादियों का इशू आ रहा है। एक तो अपने मादियों को दाना वगैरह अच्छा दिया करें और पानी के अंदर भगो के रात का भगोया हुआ दाना सुबह टाइम और सुबह का भगोया शाम को दिया करें, खुश्क दाना हर भी जमान ना दें। तो दूसरी बात यह है कि जो मादियाँ अंडे दे रही हैं कच्चे दे रही हैं, इंशाल्लाह पहली ही खुराक से वो बिल्कुल ओके हो, गारंटी होगी इंशाल्लाह। क्या करना आपने जनाब, आपने करना यह है कि आपने जो घर में बच्चों को आप सुरमा वगैरह डालते हैं आँखों में या खुद डालते हैं, वो आपने सुरमा ले लेना है, और नंबर दो आपने हल्दी ले लेनी है। ये चाहे तो आप कैप्सूल के अंदर भर के आप इस्तेमाल करवा दें, फुल साइज का कैप्सूल भर लें हल्दी का, और उसके ऊपर आपने एक छोटी सी चुटकी जो समझ लें कि जो सिलाई होती है ना उसके अंदर सुरमे के अंदर, वो सिलाई को ही आपने जो ना सिलाई के ऊपर ऐसे डालनी है, जैसे माचिस की तील के ऊपर जो मसाला होता है ना उतना डालना है आपने सुरमा, उससे भी कम ही हो ज़्यादा ना हो, तो इंशाल्लाह एक ही डोज के अंदर आपकी मादी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन आप कोशिश करें कि आप कम से कम एक वीक कंटिन्यू रखें इस मेडिसिन को, तो इंशाल्लाह ताला गारंटी है कि आपकी मादी अंडा कच्चा नहीं देगी इंशाल्लाह। तो साथ में दाना वगैरह जो ना अच्छा रखें, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पहले ही डोज से बिल्कुल मादी ठीक हो जाएगी, और आपने कम अज़ कम 7 दिन और ज़्यादा 15 दिन इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। तो क्योंकि दोस्त जो है ना पूरी वीडियो को देखते नहीं हैं, तो जल्दी से फिर जो ना रास्ते में आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, मैसेज करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब कितने दिन दें, क्या मकदार में दें। कोशिश किया करें कि वीडियो को देखें, आपको नई बात की समझ आ रही तो दोबारा वीडियो देखें, इंशाल्लाह बहुत ही प्यार से मोहब्बत से और बड़े अच्छे तरीके से साथ में जो ना ये वीडियो बनाता हूँ और समझाता हूँ, तो इस्तेमाल करें और याद रखा करें।